एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही मुहिम दाना पानी को 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कड़ी चावल का भंडारा भाव रूप से किया गया। भंडारे का उद्घाटन सहारनपुर के महापौर अजय सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी द्वारा और आम आदमी पार्टी से योगेश दहिया द्वारा कराया गया। दाना पानी द्वारा अभी तक कम से कम 2 लाख लोगों को भोजन कराया जा चुका है। एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अश्विन टेरेंस तथा अध्यक्ष रश्मि टेरेंस तथा दाना पानी के अध्यक्ष राहुल का कहना है कि 2 वक्त की रोटी किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ इस तरह इंसानियत का फर्ज निभाकर तो देखिए। टेरेंस अराउंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से, आज दाना पानी के हमारे 2 वर्ष संपन्न हो चुके हैं और करीब करीब ईश्वर हमें मौका दिया, करीब 2 लाख लोगों को हम भोजन वितरण कर चुके हैं अब तक करीब करीब, और हम इस सहारनपुर वासियों सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें इस लायक और इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने कि हम ये मुहिम चला पा रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज मेंबर्स और एज डोनर्स एंड जितने भी लोग हमारे साथ जो हेल्प में भी आगे आते हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। और हमारे दाना पानी के अध्यक्ष श्री राम गुंडेव जी हैं, इनकी भी बहुत बहुत मदद है हमारी, हमारे एरॉन के मेन पिलर पर है सेक्रेटरी साहब है और बहुत सारे एरॉन के मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिन रात काम करते हैं। रश्मि मैडम है जो दिन रात इसको चला के रख रही है, और आप सबसे यही निवेदन है कि बार बार आगे आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमें ये मुहिम जिंदगी भर चलाने का मौका दीजिए, धन्यवाद। जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह आयोजित, बच्चों ने मॉडल प्रस्तुत किए। आपको बता दें, जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह में कई स्कूलों के बच्चों ने अपने मॉडल के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशन में सहारनपुर के एसएम इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर अपने अपने मॉडल प्रस्तुत करे। मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एसएम इंटर कॉलेज सहारनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे विद्यालय में विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता जनपद स्तरीय आयोजित की जा रही है, जिसमें सहारनपुर जनपद के बहुत सारे विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 106 मॉडल्स हमारे विद्यालय में आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स विष्णुपुर बना करके बच्चों ने लाए हैं यहाँ पर और अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारे जो डिग्री कॉलेज के आईआईटी के जजेज हैं वो इन सब का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसी आधार पर इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड और 2 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करनी है, कब क्यों कैसे जो आता है विज्ञान में उस सब के बारे में जानकारी देना है, जिससे बच्चे जो अंधविश्वास है उसको दूर कर सकें हमारे समाज से और विज्ञान में और अधिक प्रोग्रेस कर सकें। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 रुपए का इनामी वांछित बदमाश घायल गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा व 2 खो का कारतूस, 315 बोर तथा एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की गई। देवबंद पुलिस मकबरा पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध भनेड़ा गांव की तरफ से आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को संदिग्ध लगने पर जब रुकने का इशारा किया गया तो दोनों मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पर अचानक से फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा भी टीम पर फायरिंग होते देख पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और बदमाशों की मोटरसाइकिल नहर पटरी बास्तम की ओर जाने वाले रास्ते पर जंगल में फिसल कर गिर गई। जब पुलिस टीम नजदीक पहुंची तो बदमाशों द्वारा फिर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। थाना देवबंद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसको बास्तम नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना देवबंद में आज शाम को चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, इस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्यवाही में जब पुलिस ने सुरक्षार्थ फायर किया, उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती पूछताछ में उसने अपना नाम अनूप बताया है, जो कि थाना ननौता का रहने वाला है और वहां का हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर 25 से ज्यादा मुकदमे हैं, पूर्व में कई बार जेल गया है। थाना देवबंद से ही
ये एक अभी हाल ही में गैंग पकड़ा गया था जिसमें 17 बाइक चोरी की पुलिस ने बरामद की थी। उस बाइक का ये सदस्य था और उसी मामले में ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार भी था। जो ये अपराधी पकड़ा गया है इसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है और इससे पूछताछ में इसके साथी अपराधियों के बारे में और जो इनके आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जिला अस्पताल पहुंचकर कायाकल्प टीम ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें शासन के आदेशों के क्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला अस्पताल में कायाकल्प टीम पहुंची। कायाकल्प टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया, साफ सफाई से लेकर उपकरणों की जाँच की गई। कायाकल्प टीम ने एक दिवसीय निरीक्षण में जिला अस्पताल के हर वार्ड का जायजा लिया और जिला अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्टाफ से वार्ता की। अभी तक निरीक्षण ये तो कायाकल्प का असेसमेंट है, ये आगे इम्प्रूवमेंट के लिए असेसमेंट किया जाता है जो हर साल किया जाता है। अभी तक मैंने पूरा आउटसाइड ऑफ बाउंड्री बाहर का पूरा निरीक्षण किया, डिपार्टमेंट में गई हूँ। अच्छा व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है, आगे के लिए प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा काम हो रहा है, साफ सफाई अच्छी है। अच्छा मैम, ये कब तक आपका चलेगा निरीक्षण और क्या देखा जा रहा है कि निरीक्षण में अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर कैसे किया जाए? ये एक दिवसीय निरीक्षण होता है, सो इंटरनल इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली होता है। साफ सफाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, इन्हीं व्यवस्थाओं को देखा जाता है और उसके लिए सजेशन दिए जाते हैं और आके फेस में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। क्या और भी कोई साथ में टीम आ रही है? हाँ, मेरे साथ में मेरे दो टीम मेंबर्स और हैं। अभी जैसे एक टीम मेंबर मेरे OPD IPD कर रहे हैं, एक टीम मेंबर हमारे NRC में है, तो हमने अभी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है क्योंकि एक दिन में पूरा हॉस्पिटल कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो अलग मैम, आपने यहाँ पर निरीक्षण जैसे किया है तो इस तरीके से हॉस्पिटल की साइड से टोल फ्री नंबर वगैरह कुछ ऐसा कहीं नज़र आया या आपने आपकी ओर से देखा आपने कि कहीं किसी को कोई परेशानी? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से आते हैं तो लोगों की जानकारी नहीं मिल पाती, परेशानी बहुत होती है क्योंकि और भी मोदी हम OPD में काफ़ी दिक्कतें होती है। उसके लिए तो हेल्प डेस्क की वो किया गया है, हेल्प डेस्क होता है यहाँ पे, हेल्प डेस्क नंबर होता है, हेल्प डेस्क ऑपरेटर होता है। उसके लिए अभी मैंने दूसरी उसको देखा नहीं है, अगर आप बोलते उसको देख लिया जाएगा और उसको आगे किया जाएगा, ये होता है हमारे यहाँ पे। जनपद में जिलाधिकारी के प्रयासों से किसानों को मिला गन्ना मूल्य, किसानों के खातों में पहुंचे 10 करोड़ रुपए। दया शुगर मिल द्वारा किया गया गन्ना मूल्य भुगतान। आपको बता दें मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी के प्रयासों से दया शुगर मिल पर विगत पेराई सत्र का लगभग 40 करोड़ का गन्ना बकाया मूल्य में से 10 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, जिसे सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से गन्ना कृषकों के बैंक खातों में भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि गन्ना भुगतान का कृषकों के हित में यह कदम अत्यंत लाभकारी होगा। कृषकगण शरदकालीन एवं रबी की बुआई आदि बेहतर ढंग से कर पाएंगे। विगत कई वर्षों से दया शुगर चीनी मिल पर बकाया चल रहा था, जिसे दबाव बनाकर यह भुगतान कराया गया है। 20 नवंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दया शुगर मिल गागलहेड़ी के प्रबंधन तंत्र व जिला गन्ना अधिकारी व मिल क्षेत्र के किसानों के बीच विगत वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया के संबंध में बैठक हुई थी, जिसके तहत बकाया 40 करोड़ रुपए को दिसंबर माह के अंत तक किसानों के खातों में भेजा जाना था। 40 करोड़ के बकाया की प्रथम 10 करोड़ की किस्त को 30 नवंबर तक किसानों के खातों में भेजी जानी थी। जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों व प्रतिदिन समीक्षा के कारण 30 नवंबर को 10 करोड़ की धनराशि किसानों के खातों में पहुंच गई है। इससे किसानों में खुशी की लहर है, किसानों ने कलेक्ट्रेट आकर जिलाधिकारी का आभार प्रकट किया। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी से हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, दी जानकारी। आपको बता दें महानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी से की गई। महापौर डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा व भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने IC वैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव भाषण सुनकर शुरुआत की। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने भी क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने काशीराम कॉलोनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए लोगों से आह्वान किया वे केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जहां PM स्वनिधि योजना से लाखों लोग अपना रोजगार विकसित कर आर्थिक व सामाजिक रूप से समृद्ध हुए हैं, वहीं प्रदेश सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पहले नंबर पर आ गया है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की एक नई छवि उभरी है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने लोगों से सरकार की योजनाओं, विशेषकर आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने डूडा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराएं, पात्र लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ दिलाएं। भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने भी संबोधित किया।
अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, उनके लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि आईसी वैन, वीडियो विजुअल, पंपलेट आदि के माध्यम से जन सुविधाओं व सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अभियान शुरू किया गया है, जो 26 जनवरी 2024 तक चलेगा। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक NBW वारंटी अभियुक्त को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक NBW वारंटी अपराधी टीपू उर्फ टिंकू को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुबोध कुमार, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार, कांस्टेबल विकास कुमार मौजूद रहे। थाना जनकपुरी पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक अभियुक्त को शेखपुरा कदीम से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, 28 नवंबर 2023 को रामेश्वर द्वारा थाना जनकपुरी पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि नवीन, जो कि शेखपुरा कदीम का निवासी है, उसने रामेश्वर के भाई रामशरण का लोन दिलवाने के नाम पर उत्पीड़न किया, जिसके कारण रामशरण ने रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में थाना जनकपुरी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने अभियुक्त नवीन को शेखपुरा कदीम से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक इंद्रसेन, हेड कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल रोहित मौजूद रहे। जनपद में कई जगह बारिश के साथ पड़े ओले, बड़ी ठंड हुई, ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान। आपको बता दें, सहारनपुर जनपद में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि होने के चलते तापमान में गिरावट आई है और ठंड भी बढ़ गई है। बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। शाम होते ही आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश एवं ओलावृष्टि हुई। रेलवे रोड स्थित जनमंच सभागार में यातायात माह के सफल अभियान के समापन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें, रेलवे रोड स्थित जनमंच सभागार में यातायात माह के सफल अभियान के समापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यातायात माह का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। समापन कार्यक्रम के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर एवं अन्य अधिकारीगण, पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में सफल रहे अभियान के विषय में सभी को जानकारी देकर संबोधित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ किया गया। आज समापन किया है आप लोगों, और ये हर वर्ष होता है वैसे देखा जाए, और उसके बाद इसके बारे में बता दीजिए, आज समापन हुआ है क्या? DGP मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। जनपद सहारनपुर में SSP सहारनपुर और उनकी टीम द्वारा ये पूरे माह में इसके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें स्कूलों में तमाम स्कूल हैं, जिसमें बच्चों को जागरूक करना, बच्चों के अनेक जागरूकता के कार्यक्रम, पेंटिंग, रैलियां, मंच के माध्यम से बच्चों द्वारा लोगों को जागरूक किया जाना, साथ ही बच्चों को पुलिस टीम द्वारा यातायात के नियमों को बताया जाना, कोई गार्जियन को शामिल करना, इसके साथ ही न केवल जागरूक करना बल्कि लोगों को नियमों के संबंध में अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई करना, ये सारे आयोजन किए गए थे। और आज 30 तारीख को इसका समापन था और बड़े स्तर पर भव्य रूप से इसका समापन किया गया, जहां बहुत सारे लोगों को जागरूक किया गया है और ये जागरूकता का कार्यक्रम इसके तहत किया गया, जिसी कार्यक्रम का समापन था। और साथ ही जिन बच्चों ने इसमें तमाम निबंध पत्र किया है, रैलियां और चीजों में अच्छा किया था, उन्हें इसमें पुरस्कृत किया गया है। जी, ये माह नवंबर तो यातायात माह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, लेकिन न केवल नवंबर, पूरे वर्ष ही पंपलेट के माध्यम से लोगों को नियमों के बारे में बताया जा रहा है, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जा रहा है, पेंटिंग लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही जनपद के जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अचानक कोई दुर्घटना होने पर CPR कैसे देना, अन्य चीजें कैसे करनी है, ये सारी चीजों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। थैंक यू। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर चोर को 9 गजा पीर की और तालाब के पास मेन रोड से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, 11 नवंबर 2023 को प्रेम कुमार निवासी ग्राम माहीपुरा के बंद मकान से अज्ञात चोरों ने घरेलू सामान चोरी कर लिया था, जिसके संबंध में पीड़ित ने थाना जनकपुरी पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र दिया। थाना जनकपुरी में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर शमीम उर्फ खली को नौ गजा पीर की और तालाब के पास मेन रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सोनू राणा, हेड कांस्टेबल विशाल, हेड कांस्टेबल महबूब अली मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान संघ ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान संघ ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें उनका कहना था कि किसानों को फसल अवशेष, पराली, पत्ती जलाने पर सरकार द्वारा की जा रही दंडात्मक कार्यवाही का भारतीय किसान संघ विरोध करता है। गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, किसानों के बिजली कनेक्शन न काटे जाएं, इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। श्याम वीर त्यागी, भारतीय किसान संघ का प्रदेश संयोजक गन्ना। आज हम लोगों ने जो पराली जलाने के लिए शासन प्रशासन किसानों का FIR करवा रहा, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक किसान को विकल्प नहीं दिया जाते, चाहे वो मल्चर हो, चाहे पार्टिकल डीकम्पोजर हो, जब तक किसान पर मुकदमा होगा तो हम भारतीय किसान संघ सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेंगे। और दूसरा, जो भारतीय किसान संघ ने आज ये मांग करी कि गन्ने का भाव 400 रुपए क्विंटल, जल्दी से जल्द कोई एक महीना पूरे सीजन चला होगा गन्ने का, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव। और तीसरा, किसान की बिजली काटा जाएगा, जो बिजली कर्मी, हम उनका मुंह के पे घेराव करके उन्हें बंधक बनाओगे वहां से। ये तीन मांग। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए किए जाने की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना था कि भाजपा द्वारा अभी वर्तमान में संपन्न हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में अपने जुमलों का पिटारा खोलते हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में 450 रुपए एवं 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पर घरेलू गैस सिलेंडर अभी भी बढ़े हुए दामों पर मिल रहे हैं, जिससे आम लोगों को अपना घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग करी कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाए, जिसको लेकर उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आज हमारा ये स्लोगन देखिए आप, राजस्थान में हमने किया है, पिछली सरकारों में हमने किया है, छत्तीसगढ़ में हमने किया है, और जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी हमने घोषणाएं की है, गारंटी दी है कि जो योजनाएं जिस तरह का हमने वादा किया है जनता से, उसका पूरा करने का काम हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे सभी राष्ट्रीय नेता अजय राय जी, सभी लोग ये मांग आज कर रहे हैं कि यूपी में कब होगा 450 रुपए का सिलेंडर। हमारी सरकार में 450 रुपए का था, राजस्थान में 400 रुपए की घोषणा कर दी गई है, पिछला सिलेंडर 500 रुपए था, लेकिन ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, जो जनता से वादा करती है कि हम महंगाई कम करने का वादा करेंगे, लेकिन केवल वादा करती है, काम पूरा करने का काम नहीं करती। आज हम सभी कांग्रेसजन, महानगर अध्यक्ष हमारे और सभी फ्रंटल के अध्यक्ष, सभी हमारे कांग्रेसजन ये मांग करते हैं कि ये कब होगा, यूपी में कब होगा गैस सिलेंडर कम कब होगा, यूपी में महंगाई कब होगी, यूपी में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, उसकी गारंटी कब देगी। प्रधानमंत्री जी ने एक चीज तो चुरा ली कांग्रेस से, वो गारंटी की बात करने लगे, जैसे ही राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से गारंटी की बात की है, 7 गारंटी वहां राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिजोरम में दी है, उसकी चोरी तो कर ली कि मैं भी गारंटी दूंगा, लेकिन गारंटी उनको कुछ नहीं है। उन्होंने जितने वादे किए थे वो सारे जुमलेबाजी के वादे रहे हैं। न महंगाई कम हुई है, यह सिलेंडर 400 रुपए था, आज 1150 रुपए सिलेंडर है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जनता त्रस्त है, लेकिन वादे पे वादे करते हैं, चुनाव में वादा पूरा करने का काम नहीं करते। उसी को लेकर आज हम सभी कांग्रेसजन ये मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से भी और राज्यपाल जी के, सरकार को कहे कि जिस तरह की योजनाएं गरीब के लिए हित में है, 450 रुपए सिलेंडर कब करेंगे, अब करेंगे या 24 के बाद करेंगे, कब करेंगे ये बताए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं होती। देखे, अगर मांग पूरी नहीं होती, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हमने लागू की है, और 2024 में केंद्र में सरकार बनने जा रही है, वो वादे वो गारंटी हम पूरे करेंगे जनता हित के लिए।